हेलो गाइज, कैसे हो। आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीडीएस यानी ग्रामीण डाक से वैकेंसी आई हुई है और इसकी इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल से जो जीडीएस की वैकेंसी आई हुई थी उनको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जाए कि जो राजस्थान ग्रामीण डाक सेवक है उसकी 2390 वैकेंसी निकाली गई है। हम फिलहाल राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि प्रत्येक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग कट ऑफ रहती है, क्योंकि सभी की सेम नहीं रहती। वो डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं और उसके बाद जो मेरिट बनती है आपके परसेंटेज बेस पे, उसके आधार पे आपका जो कट ऑफ जारी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल के 1127 है, ईडब्ल्यूएस के 289 है, ओबीसी के 231 है और एससी के 371 है और एसटी के 305 पद दिए गए हैं और टोटल 2390 वैकेंसी है। अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहेगी 85 से 88 के बीच में, लगभग इसके अराउंड ही जाती है। हाँ, एक दो नंबर ऊपर नीचे ज़रूर हो जाता है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 84 से 87 के अराउंड रहेगी। कट ऑफ काफ़ी अप रहती है। आप कहेंगे कि लॉकडाउन में बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है पास किया गया, उस समय 95 अबव दिया गया है। तो देखिए, उनकी हो सकता है एज भी ना हो, जिन्होंने 10th किया था लॉकडाउन के अंदर, उनके जो एज कंप्लीट ना हुई होगी, तो उसी कारण कट ऑफ इस वैकेंसी में तो कम रह जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जो भी जीडीएस की वैकेंसी आएगी उसमें इससे भी अप जाएगी। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 83 से 85 के अराउंड रहेगी, और लगभग इसके अराउंड रहेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। और एमबीसी की भी 83 से 85 के अराउंड एमबीसी। और एससी और एसटी की बात करें, हम एससी और एसटी की, एससी की जिनके भी 80 से 82 के बीच में और एसटी 78 से 80 के अराउंड है, तो आप लोग सेफ जोन के अंदर है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप लोग जिनके भी 75 से अबो नंबर है वो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दें। 70 अबो भी आप अगर एससी एसटी से तो भी आप लोग अप्लाई कीजिए, आपको चांस लेना चाहिए। कई बार कम आवेदन आते हैं तो हो सकता है 70 वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी या जनरल से वो 75 से अबो चांस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आवेदन फीस ज़्यादा है नहीं। कई बार लकी चांस होता है तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाए, कम आवेदन आए या कंपटीशन कम हो, मेरिट लो रहे, तो आप लोग आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके कितने मार्क्स है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।